तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव ने शनिवार को जलीकट्टू पर राज्य सरकार के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ ही तमिलनाडु में जलीकट्टू रिटर्न्स हो गया है। तमिल के पारंपरिक खेल पर लगी रोक हटने के बाद आज राज्य भर में जलीकट्टू का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों में काफी खुशी देखी गई, लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ जलीकट्टू को लेकर अपने अध्यादेश पर मंडराते संकट के मद्देनजर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। राज्य सरकार के वकील ने बताया है कि उन्होंने शीर्ष अदालत से यह अनुरोध किया है कि नए अध्यादेश को कोई भी चुनौती दी जाती है तो राज्य सरकार के पक्ष की सुनवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों जलीकट्टू की मांग को लेकर राज्य भर में प्रदर्शन होता रहा। मंगलवार रात से ही हजारों लोग मरीना बीच पर जुटे थे। जलीकट्टू के समर्थन में तमिलनाडु बंद का ऐलान भी किया गया था। यहां तक कि राजनीतिक दलों के साथ साथ कई हस्तियों ने भी इसका समर्थन किया था, जिसके बाद समर्थन में उमड़े जनसैलाब को शांत करवाने के लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाई थी, जिसे बाद में केंद्र सरकार से भी मंजूरी मिल गई थी। तो लंबी चली एक लड़ाई के बाद आखिरकार अब जलीकट्टू की वापसी हो गई है। आपको बता दें कि साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू पर रोक लगा दी थी। देखते रहिए डीबी लाइव।